तो मुझे इस बार ये पता करना है कि किस पर्सन ने किस सिटी में कितनी क्वांटिटी सेल की है। तो पिवट टेबल की मदद से हमें क्या डेटा ने रिपोर्ट निकालनी है कि किस पर्सन ने किस सिटी में कितनी क्वांटिटी सेल की है। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्मेट में भी ले सकते हैं और आपका एक सब टोटल फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। दो तरह के फॉर्मेट होते हैं इसमें। अब एक गलती हमने कर दी कि हमने सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट करके चार्ट बना दिया, ये पिवट बना दिया है, इसलिए यहाँ पे बाकी डिटेल्स नहीं आ रहे हैं। तो पिवट टेबल पे क्लिक किया, डेटा पूरा ले लिया, मैंने नेम को यहाँ रखा और सिटी को मैंने कॉलम में रखा और क्वांटिटी को यहाँ रखा। देखिए यहाँ पे चीज़ समझिए कि अगर आप जो भी फील्ड को अगर रो में रखते हैं तो रो वाइज आपके सामने लेजेंड बनेंगे। अगर आपके यहाँ पे देखिए कविता है तो मेरे डेटा में कविता हजारों बार है, बट यहाँ पे कविता वन टाइम आएगा। और हमने कॉलम के लिए कॉलम वाला यहाँ पे रख दिया है और ये आपके सामने रिपोर्ट बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट में बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो फॉर्मेटिंग करना चाहे वो फॉर्मेटिंग आप यहाँ डिजाइन में जाके कर सकते हैं या नॉर्मल फॉर्मेटिंग जो इससे पहले हमने जिक्र किया वो आप ले सकते हैं। बट क्वेश्चन यहाँ पे एक चीज आता है कि क्या यहाँ पे क्वांट काउंट ऑफ ए रोल लेवल वगैरह चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, आप पिवट टेबल में आप हेडिंग्स को चेंज कर सकते हैं, आप नेम्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं कि आप अपनी वैल्यूज को जो यहां से आती है कैलकुलेट होके उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, अब दूसरा जो फॉर्मेट हमारा है वो है सब टोटल फॉर्मेट। सब टोटल फॉर्मेट में क्या करना है आपको कि सिटी को उठा के हमें रो के नीचे डालना है, तो इस तरह से सब टोटल आएगा। तो ये फॉर्मेट क्यों रिक्वायर होती है? देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास जो जिस फील्ड को आप कॉलम में रख रहे हैं उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए ये आपका 10,000 5,000 नंबर ऑफ रो का वैल्यूज है, मतलब कि यूनिक वैल्यूज है, तो ये बहुत लंबा चला जाएगा और इसकी भी एक लिमिटेशन है। इसलिए हम उस केस में जब हमारे पास जो कॉलम फील्ड में डेटा रखना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा है, उसको हम रिकमेंड करते हैं कि आप यहाँ पे सब टोटल फॉर्मेट में रखें और कुछ इस तरह से डेटा आएगा। अब इसके आगे जो प्लस माइनस का निशान बना हुआ है उसको कोलैप्स और एक्सपेंड कहते हैं। यहाँ से कोलैप्स कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं।